नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 9 Pro 5G versus Samsung Galaxy F23 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme 9 Pro 5G में 6.47 इंच जबकि Galaxy F23 5G में 6.52 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Realme 9 Pro 5G में 2.98 इंच जबकि Galaxy F23 5G में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Realme 9 Pro 5G में 0.33 इंच जबकि Galaxy F23 5G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Realme 9 Pro 5G में 195 ग्राम्स जबकि Galaxy F23 5G में 198 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Realme 9 Pro 5G में 1080x2412 और Galaxy F23 5G में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme 9 Pro 5G में 84.67% जबकि Galaxy F23 5G में 82.53% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 400 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Realme 9 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy F23 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Realme 9 Pro 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy F23 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Realme 9 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Galaxy F23 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Realme 9 Pro 5G में Adreno 619L जबकि Galaxy F23 5G में Adreno 619 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Realme 9 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 695 और Galaxy F23 5G में Qualcomm Snapdragon 750G मिलता है। बात करें RAM की तो Realme 9 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है जबकि Galaxy F23 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Realme 9 Pro 5G में अप टू 256GB जबकि Galaxy F23 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो
Realme 9 Pro 5G में 3 कलर्स जबकि Galaxy F23 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Realme 9 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 20,999 रुपीस में मिल जाता है। वहीं अगर बात करें Galaxy F23 5G की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme 9 Pro 5G में 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy F23 5G की तो उसमें 7 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Realme 9 Pro 5G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में Realme 9 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y75 5G है, दूसरा Realme 9 Pro Plus 5G है, तीसरा Vivo Y15s 2021 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Tecno Pova Neo है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।